हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, तब सत श्री अकाल जी। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने रिएक्शन बनाना स्टार्ट किया है लिटिल कृष्णा पर, तो उसका हम लोग आज लेकर आए हैं एपिसोड 2। तो फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको और मुझे ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और इसका जो फर्स्ट एपिसोड था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा, मैंने उस पर रिएक्शन बनाया है, तो प्लीज़ आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। तो फटाफट से देखते हैं आज की वीडियो। तो ये देव है शायद, है ना? देवी लग रहे हैं। पृथ्वी पर मनुष्य आपको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवराज इंद्र। ये ऋणी लोग आपका आभार प्रकट करने के लिए सब तरफ एकत्रित हुए हैं। होना भी चाहिए, इनकी खुशहाली मेरे हाथों में है। इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं बारिश का स्रोत हूँ जो इनके खेतों और भंडारों को अन्न से भरती है। संवर्तक, जो लोग मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं उन्हें वर्षा प्रदान करो। मोर कितने क्यूट लग रहा है। पृथ्वी से आ रहे इस कोलाहल को सुनिए देवराज इंद्र, आप सचमुच सबसे शक्तिशाली हैं। स्वर्ग का देवता हूँ इंद्र जो हूँ मैं। इंद्र, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो, तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान विष्णु का आदेश पूरा कर रहे हो। मैं जो चाहूँ करूँगा, मैं किसी का आदेश नहीं मानता। इंद्र, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, तुम्हें अपने यश और कीर्ति का अभिमान हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सुधर जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। चलना बाबा, आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं? हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दे। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता है। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्रदेव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा, वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा, फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिसे जीवन देता है, और यमुना की क्यों नहीं? कृष्णा, तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा, क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए? वो तो भगवान विष्णु है जो इंद्र
और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है। सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं। और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। हम ग्वाले हैं, हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं, और वो भोजन के लिए निर्भर करती है इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को, जो वृंदावन का जीवन है। हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। बातें बहुत समझदार हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन बात तो बिल्कुल सही है, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। आयुष्मान भव, ये सब इंद्र देव की नहीं गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें, हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। मान गए सब लोग। जल्दी मान गए हैं लोग, मतलब नहीं तो लोग इतनी आसानी से मानते नहीं है, मतलब इतनी देर से जो रस्में आती हूँ। अगर तुम सभी अपने साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। कृष्णा जी हैं। देखो कितनी बड़ी पूजा हो रही है, गोवर्धन पर्वत तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे मधु। हाँ, गोवर्धन की पूजा करना अच्छी बात है बलराम, परंतु मैं इंद्रदेव को भी कुछ अर्पण अवश्य करूँगा, कहीं बुरा ना मान जाए। एक इंद्र के लिए और एक मेरे लिए, दो मेरे लिए। देखिए तो, वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़े अचरज की बात है, उनकी ये हिम्मत। मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। गुस्सा आ गया उनको तो। आओ आओ संवर्तक, मेरे साथ मेरे भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे का आनंद लो। क्षमा चाहता हूँ देवराजेंद्र, परंतु ये समाचार आपको विचलित कर सकता है। अब ये मत कहना कि तुमने गलती से एक और गांव को बाढ़ से भर दिया, ये बात मन से निकाल दो। मुझे डर है कि आप इस समाचार से बहुत क्रोधित हो जाएंगे। देवराज, वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या? गोवर्धन पर्वत? उन्होंने मेरी पूजा करके मिट्टी की पूजा की। गुस्सा? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद। ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है, देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो, और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। Oh.
तो बहुत ही गलत है। ये तो बहुत ही गलत है। ऐसे बाढ़ आ गई वहां पे तो। ओहो, इतनी बारिश। पूरे वृंदावन का कोई हाल नहीं छोड़ा उन्होंने। बहुत ही ज्यादा बारिश। वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वृंदावन के लोग अब जल्द ही उस लड़के की बात सुनने पर पछताएंगे। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं। कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे एक क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा इंद्र को बलराम बाबा ठीक कहते हैं। ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आँच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ, आप सब के लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। वृंदावन की रक्षा मैं अवश्य करूँगा। कृष्णा, हम मेरे बच्चे। पहाड़ उठा लिया छोटी उंगली पे। आओ कमाल का है सीरियसली। से बहुत अच्छी मधु। इतने तूफान के बाद भी ये असंभव है। यदि हम इंद्र के आदेश अनुसार इस छोटे से गांव को तबाह नहीं कर पाए तो वो हम पर कोई दया नहीं करेंगे। आगे बढ़ो मेरे योद्धाओं, ये तूफान तब तक थमना नहीं चाहिए जब तक वृंदावन पूरी तरह पानी में डूब न जाए। ओ,
बहुत ज्यादा बारिश की है। हार के लौट आया वापस देवराज। आओ समर्थक, बहुत थके हुए लग रहे हो, बैठ जाओ और सब विस्तार पूर्वक सुनाओ। बताओ, क्या तुम्हारे तूफान के बाद भी वृंदावन का कोई चिन्ह बचा है? देवराज, आपके योद्धाओं ने पिछले 6 दिन और 6 रातों से तूफान मचा रखा है, जिसमें आग की तरह बिजली चमक रही है और घनघोर वर्षा हो रही है। 6 दिन मनुष्य ने इससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अब तक तो वृंदावन पूरी तरह डूब चुका होगा। काश मैं ऐसा कह पाता देवराज इंद्र, लेकिन सच ये है कि हमारे तूफान भी कृष्ण के सामने नहीं टिक पाए। मेरे तूफानी योद्धा एक बच्चे से परास्त हो गए। उसने गोवर्धन पर्वत को अपने सिर पर उठा रखा है और वो वृंदावन वासियों और उनके पशुओं की रक्षा कर रहा है। हम परास्त हो गए। लगता है तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ है संवर्धक। 6 दिनों से कड़क रही बिजली ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरे वाहन ऐरावत को बुलाया जाए। मैं स्वयं वृंदावन जाकर इस चमत्कार को देखना चाहूंगा। हाँ ठीक है यार, मतलब ये अच्छा है। छह दिनों से यहाँ पे सब लोग भूखे प्यास से बैठे हुए होंगे। अपने आप को भगवान समझता है तो अब वो ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर इंद्र। तो ज्यादा जुल्म कर रहा है ये तो। वाह, ओ भी बांसुरी बजा रहे हैं, बहुत मस्ती से। इंद्र के क्रोध से बच नहीं सकते, कृष्ण की बात मानने का दंड भुगतना होगा। सारी शक्ति लगा दी है इंद्रदेव ने अपनी। मत करो। ओ, तूफान को ही खींच लिया अंदर। ओ, अपने बांसुरी के। वाओ। खुशी मनाने क्यों नहीं जाते? पर कृष्ण, क्या तुम अकेले इस पर्वत को उठाए रख सकते हो? नादान मत बनो कृष्ण, छोटे बालक हो, पहले तुम बाहर निकलो।
आप बहुत दयालु हैं। आप सचमुच चाहते हैं मैं पहले चला जाऊं? इंद्रदेव फिर से आए, क्या कहेंगे अभी? देवराजन लगता तो है कि हार मान ली होगी। मुझसे कितना स्नेह करते हैं, अन्यथा मेरे प्रतिकार के बाद भी आप मुझसे मिलने यहाँ क्यों आते? कृष्ण, प्रतिकार तो मैंने किया है आपका। मैंने बहुत बड़ी मूर्खता की, भूल गया था कि मुझे शक्तियाँ आप ही से प्राप्त होती हैं। मैं सदैव आपका सेवक रहूंगा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। देवराज, आपको अपनी शक्ति का बहुत अभिमान हो गया था और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपका अभिमान तोड़ सकूं। जाइए, मैं आपको क्षमा करता हूँ। हाँ, इतना असाधारण बालक हमारे साथ यहाँ वृंदावन में रहने आया है। मैं इतना जानती हूँ कि ये मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा दुलारा कृष्णा। जी तो गाइज, ये थी आज की वीडियो और ये था एपिसोड 2 और बहुत ही ज़्यादा प्यारा एपिसोड था, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो बात है ना कि कृष्णा जी ने जो इंद्रदेव की जो रुकवा दी, मतलब वीडियोस में ऐसे मतलब बोलते हैं, खास तौर पे महाभारत में जब देखी थी उस टाइम पे कुछ मतलब कि ऐसे लोग थे वो बोलते थे कि इन्होंने ये जो किया था बहुत ज़्यादा गलत किया था, कि इंद्रदेव जो हैं उनकी जो रुकवाई थी इन्होंने, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है ना कि आपके बुरे लोग होते हैं, तो इस बात को लेके तो बहुत ज़्यादा मतलब ना बोलते थे, लेकिन उसके पीछे पूरी की पूरी वजह क्या थी वो मतलब कि इस एपिसोड में दिखाया गया। और बिल्कुल ठीक बात है, वो जो इंद्रदेव हैं उनका मतलब अगर वर्षा होती है तो वो उनका क्या बोलते हैं, ड्यूटी है, उनको उनकी ड्यूटी ही ये लगाई हुई है कि आप जहाँ पर भी ज़रूरत हो वर्षा की वहाँ पर वर्षा हो और आप उस बात का ध्यान रखें। लेकिन उन्होंने उनको लगने लग गया था कि मेरी वजह से ही लोग जिंदा रहते हैं, लोगों को अनाज मिलता है, तो इस वजह से बोलते हैं कि जब अहंकार जहाँ पे आ जाए तो उस अहंकार को मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये चीज़ मैं सीख रही हूँ देवों के देव महादेव हम लोग देख रहे हैं ना वहाँ से भी, और इस वीडियो में भी वही चीज़ दिखाई गई कि अहंकार बेशक वो आपकी क्या बोलते हैं कि शक्ति का हो या फिर पैसों का हो या फिर मतलब कि आपको मतलब फील हो कि आप बहुत ही ज़्यादा क्या हो, एक इंसान होता है ना कि खुद को इंसानों की बात से मैं बता रही हूँ, मतलब मुझे पता है कि यहाँ पर वो एक देव हैं, लेकिन इंसान भी ऐसे होते हैं जो उनमें कुछ भी मतलब कि एक्स्ट्रा हो आ जाए तो उनको लगता है कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ। वो इंसानों की बात है कि इंसान इंसान को इंसान ही नहीं समझते जब उनके पास अगर कुछ आ जाए ऐसा जो दूसरों के पास नहीं होता है। तो इंद्रदेव थे तो उनमें अहंकार उस बात का आ गया था, और एक ऋषि थे उन्होंने उनको समझाया भी कि आपकी ये मतलब ये जो भी बात है ये बहुत ज़्यादा गलत है, तो आप इस बात को समझ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो मतलब कि मान नहीं रहे, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उन्होंने हर एक अपनी जो भी बात होती है वो आजमाई, अपनी पूरी की पूरी
शक्ति लगा दी लेकिन फिर भी वृंदावन को नहीं डुबा सके और एक बच्चे को नहीं हरा सके। लेकिन एंड पे फिर उनको क्या बोलते हैं, एहसास हो गया कि हाँ ये विष्णु जी ही हैं, विष्णु जी का ही अवतार है। तो उसकी वजह से फिर वो एंड पे आए उनको बोलने के लिए कि मतलब बहुत बड़ी भूल हो गई है, तो क्योंकि आपसे ही मुझे शक्ति मिलती है, तो वो बात थी। और वो बात उनको समझ में आ गई, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वही चीज़ कि अहंकार बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ होती है, मतलब यही समझाने के लिए उन्होंने मतलब बताया। और उन्होंने बोला कि इंद्रदेव को छोड़ के, क्योंकि उनकी तो वो ड्यूटी है, लेकिन ये जो एक पहाड़ है जो उसकी वजह से हम लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उनके यज्ञ किया जाए, इससे अच्छा है ना कि जो पहाड़ है उससे हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है, उसके लिए यज्ञ हो कि उस पहाड़ को भी खुशी हो। वो होता है ना कि लोग इतने वो बोले कि सालों से एक रस्म थी आती जा रही थी कि इंद्रदेव जो हैं उनकी खुशी के लिए हर साल एक बहुत ही बड़ा यज्ञ रखते थे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और उसी बात की वजह से उनको फील होने लग गया था। मतलब वो खुद को ही देव हैं, देव और भगवान में डिफरेंस होता है, तो वो खुद को भगवान ही समझने लग गए थे बहुत ही ज़्यादा। उनको लगता था कि जितने भी लोग हैं मेरी वजह से ज़िंदा है, मेरी वजह से, क्योंकि उनके अनाज मिलता है वो चीज़, तो उस चीज़ को ख़त्म किया बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे वे में उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और अपने जो वृंदावन हैं उनको चाया, और वहाँ के लोग मतलब कि वैसे जो मैंने पिछला एपिसोड देखा था उसमें मैंने वो सवाल किया कि लोग उनकी ऐसी मतलब शक्तियाँ देखते हैं तो उनको मतलब लगता नहीं कि ये मतलब कि एक आम इंसान तो नहीं है, वो उनको फील नहीं होता होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने वो जो लोग थे उनमें से एक ने बोला कि ऐसा अद्भुत बच्चा हमारे साथ वृंदावन में रहने के लिए आया। वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मतलब सीन था जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया था। सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग एपिसोड था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे एपिसोड देखकर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, एक लाइक ए सब्सक्राइब ए शेयर प्लीज़ जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलती रहूँगी ऐसी बहुत सी वीडियोज़ है। अभी के लिए इतना ही, आई लव यू ऑल।